करनाल के लघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर तवज्जो बढ़ाई गई है। साय 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक विशेष गश्त रखने के लिए सभी SHO की ड्यूटी लगाई गई है। क्राइम डाटा का विश्लेषण करने के बाद चैन स्नेचिंग जैसी जगहों पर PCR व राइडर की तैनाती की गई है। चौक चौराहों पर 24 घंटे निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस साल क्राइम के मामलों में कमी आई है, इसे और कम करने के प्रयास करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में भी करीब 20% की कमी आई है। इनमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं हाईवे पर खड़े खराब वाहनों से टकराने से होती हैं। इसे रोकने के लिए हाईवे के 30-40 मीटर के फासले पर PCR की गश्त लगाई गई है। सड़क सुरक्षा के तहत सड़कों पर ब्लैक स्पॉट में कमी लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस साल पुलिस की मुस्तैदी से करीब 20 अपराधियों के गैंग पकड़े गए हैं। इनसे जुड़े 48 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग तहरी के करीब 300 मामलों में 1,42,00,000 रुपए की रिकवरी भी की गई है। अपराधियों के पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को चेक करवाकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। चिन्हित अपराधों के तहत अनुसंधान कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए मामलों को वास्तविकता के करीब लाकर गवाहों की सही गवाही करवाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अपराधियों को सजा सुनिश्चित की जा सके। इसी प्रकार साइबर क्राइम सिस्टम को भी और प्रभावी बनाया जा रहा है। किसी को भटकना ना पड़े उसके लिए FIR करवाना आवश्यक किया गया है, जो ऑनलाइन भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि महिला विरुद्ध अपराध 100% रूप से दर्ज हों, इनमें किसी तरह की कोताही ना हो, इसको लेकर सत्यापन से लेकर सजा तक के प्रावधान को सुनिश्चित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग या पर्स स्नेचिंग, इनके पिछले 3 सालों का डाटा का एनालिसिस किया है और जो हमारे सामने हॉट स्पॉट के रूप में कुछ क्षेत्र उभर कर आए हैं, हम उन पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राइडर और PCR वहाँ पर विशेष तौर पर तैनात रहें। जितने भी हमारे PCR या राइडर्स थे उस पर कुछ पुलिस कार्मिकों की कमी थी, वो हमने लगभग पूरी कर दी है। हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि 24 आवर्स हमारे जितने भी मोटरसाइकिल्स पे जो राइडर्स हैं या हमारे जितनी PCR से वो चौक चौराहों पर रहे, वो थाने में या चौकियों में खड़ी ना रहे। जहाँ तक हम इस साल के क्राइम डाटा की बात करें, पिछले साल से तुलनात्मक जो आंकड़े हैं हमारे पास में, लगभग जितने भी हमारे मेजर हेड्स हैं क्राइम के, चाहे मर्डर्स के हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर हैं या थेफ्ट के हैं या लूट की वारदातें हैं, तो पिछले साल की बजाय इस साल कमी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसी जो हमारा कमी आई है, इसको और कम करने के लिए भी जिला पुलिस लगातार प्रयासरत है। रोड एक्सीडेंट्स की जहाँ तक है डाटा की बात, तो रोड एक्सीडेंट्स के मामले में लगभग 20% के आसपास कमी है, चाहे इंजर्ड के मामले हो या डेथ के मामले हो। लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़े बहुत एक्सीडेंट्स कुछ जगहों पे हुए हैं, जैसे आज सुबह भी एक एक्सीडेंट का मामला आया था। तो देखा यह गया है कि जितने भी हमारे हाईवेज हैं वहाँ पर कोई व्हीकल ख़राब हो जाता है तो उसके टकराने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कोई ना कोई उस व्हीकल को सही करने के लिए काम कर रहा होता है और पीछे से कोई व्हीकल की आपस में टक्कर होती है। तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी हाईवे PCR से हैं उनके पास में रिफ्लेक्टर वगैरह इत्यादि हो और साजो सामान हो, ताकि वो कम से कम 30 या 40 मीटर पहले ही वहाँ पर लगा दे, ताकि कोई भी व्हीकल आ रहा हो तो उस ड्राइवर को पता लग जाएगी आगे कोई व्हीकल खड़ा है और इससे दुर्घटना होने से बचाया जा सके। साथ ही रोड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक है। हमारी मासिक बैठक भी होती है DC साहब की अध्यक्षता में, तो जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन पर किस प्रकार से कमी लाई जा सके, चाहे वो इंजीनियरिंग में सुधार करके या किसी भी डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन से वो कमी हो सकती है, तो हम वो कोशिश करेंगे। इस साल हमने अब तक 20 गैंग पकड़े हैं, चाहे वो बर्गलरी के मामले हो, चाहे ट्रांसफार्मर थेफ्ट के हो या घर की चोरियों के मामले हो। टोटल 20 गैंग पकड़े गए थे, उसमें से 48 मेंबर्स, उसके टोटल 48 सदस्य अरेस्ट हुए थे, जिनसे 300 के आसपास केस वर्कआउट हुए हैं, जिसमें से 1,43,00,000 रुपये की रिकवरी उनसे हुई है। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले हमारे 5 साल में जितने भी गैंग पकड़े गए हैं, खासतौर पर लूट और स्नैचिंग के मामलों में, उनका भी हम चेक करवा रहे हैं कि वो भी जेल में है या बेल पे है, और उनका हम रिकॉर्ड अपडेट करवा रहे हैं। हमने जितने भी चेन स्नैचिंग के जो भी गैंग्स पकड़े गए थे, हमने अभी सभी SHOs को वो लिस्ट देकर के अभी रिसेंटली चेक भी करवाए हैं कि अभी वो जेल में है या बेल जमानत पे है, और अगर जमानत पे है तो अभी क्या काम कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की गतिविधि में पुनः
संलिप्त तो नहीं है और उनका जो भी रिकॉर्ड है वो भी अद्यतन किया जा रहा है। खासतौर पे जो भी सरकार की तरफ से गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें चिन्हित अपराध एक स्कीम है जिसमें डीसी साहब की अध्यक्षता में मासिक बैठक होती है। जो भी गंभीर प्रकृति के जो मामले होते हैं जिसमें उत्तम अनुसंधान की और प्रभावी अभियोजन की आवश्यकता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठक भी रखते हैं जो भी आगे 3 तारीख को रखी गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले के अंदर यदि कोई गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं तो उन मामलों को सही ढंग से चिन्हित किया जाए और जो अनुसंधान अधिकारी है वो उनका अनुसंधान है वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से करें, जो प्रभावी साक्ष्य हैं वो माननीय न्यायालय के सामने रखा जाए ताकि उस मामले में कन्विक्शन के चांस बढ़ जाए। साथ में उसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी मेंबर होते हैं तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी उस मामले को बड़े संजीदा और ध्यान से देखते हैं, जो भी वहाँ पर गवाह पेश होते हैं उनकी गवाही सही ढंग से हो, मामले का जो प्रोसिक्यूशन है वो अच्छे ढंग से हो ताकि कन्विक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। साथ ही साथ हमारे जो एक्विटल के केसेज है कुछ मामलों में जैसे जो मुलजिम है वो छूट जाता है बरी हो जाता है किन्हीं कारणों से, उन केसेज में हम देख रहे हैं कि कहीं हमारे अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही से या किसी और वजह से जो एक्विटल हुआ है उनके हम कारणों का विश्लेषण करते हैं। अनुसंधान में यदि कोई कमी रही है तो उसको आगे मामलों में और कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है वो भी हम विश्लेषण करेंगे ताकि एक अपराधी में ये भय हो कि यदि कोई मामला दर्ज हुआ है और माननीय न्यायालय तक पहुंचा है तो जिला पुलिस के जितने भी अनुसंधान अधिकारी हैं और जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि मामला कन्विक्शन की तरफ जाए। खासतौर पर जो साइबर क्राइम है और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं इनके मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ा है तो कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है हमारे IOs भी उसी लेवल पर ट्रेंड हो इस संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं हमारी साइबर सेल को और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, चाहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा के चाहे उनको प्रशिक्षण दिलवा करके ये हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे पास में साइबर क्राइम के केसेज आए या ऑनलाइन फ्रॉड से केसेज आए वो रजिस्टर अवश्य हों, उन पर FIR अवश्य दर्ज हो क्योंकि FIR ही वो पहला पड़ाव है जहाँ से आगे का जो भी है चरण शुरू होते हैं। तो मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज की जाए, किसी भी शिकायतकर्ता को FIR के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े ये हम शुरू कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे पास में DSP लेवल पे या मेरे लेवल पे कोई कंप्लेंट आती है तो हम ये पता करते हैं कि ये कंप्लेनेंट क्या किसी पुलिस स्टेशन में गया था और गया था तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। खासतौर पर जो साइबर क्राइम में और ऑनलाइन फ्रॉड्स में एक जो रीज़न जो नीचे वाले पुलिसकर्मियों में एक है कि किसी का ज्यूरिडिक्शन को लेकर के इशू रहता है वो भी हमने लगभग क्लेरिफिकेशन कर दिया है सभी SHOs की बैठक लेकर के कि इन मामलों में किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाए। महिला विरुद्ध अपराध जैसे ही रिपोर्ट होता है चाहे वो छेड़छाड़ के मामले हो चाहे वो बलात्कार के मामले हो या किसी अन्य प्रकार की गंभीर प्रकृति के मामले हो ये सुनिश्चित हमारी कोशिश रही है कि मामले 100% दर्ज हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नीचे के जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको हमने बिल्कुल ब्रीफ कर दिया है और अभी तक ऐसा कोई मामला सामने हमारे आया नहीं कि जो महिला विरुद्ध अपराध में किसी प्रकार से नीचे के लेवल पे कोताही की गई हो, मामला तुरंत दर्ज नहीं किया गया हो। उसके बाद में जो भी हमारे स्टेप्स हैं चाहे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना या 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, स्पॉट की विजिट करना, तुरंत गजेट ऑफिसर के द्वारा उसका सत्यापन करना, वो भी कार्रवाई तुरंत हो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे लेवल से बस इतना ही था, थैंक यू। तो आपके सवाल हो तो जरूर हम टेकअप करेंगे। अभी ये ड्रंक एंड ड्राइव के काफी केसेस देखे जा रहे हैं रिसेंटली, उसके अगेंस्ट पुलिस की क्या मतलब पॉलिसी है उसको? देखिए मोस्टली अगर रोड एक्सीडेंट से केसेस का विश्लेषण करें तो जो मुख्य दो कारण उभर करके आते हैं सामने वो है एक तो ड्रंकन ड्राइविंग का और दूसरा ओवर स्पीडिंग का। तो इन दोनों पे हम लगाम लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे और साथ ही अभी हम ट्रैफिक जितने भी हमारे ट्रैफिक में लगे हुए हैं मुलाजिम हम उनके साथ भी एक बैठक रख रहे हैं ताकि उनसे भी फीडबैक लिया जा सके और किस जगह पर मुख्यतः चेकिंग की ज़रूरत है वो हम करेंगे। खासतौर पे हमारा सिटी में तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगे हुए हैं लेकिन हाईवेज पे और जो बाहरी रोड हैं उन पे थोड़ा सा प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के, और खासतौर पर शाम के समय ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस आते हैं तो उस समय और कैसी हमारी जो पुलिस प्रेजेंस है वो व्यापक की जाए और ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किया जाए जहाँ पर भी पहले एक्सीडेंट्स ऐसे केसेस हुए हैं वो हम शीघ्र कोशिश करें। डीसी साहब से एक मेरा सवाल है कि अभी आपने बताया लैक्स को लेकर काफी कैडेट छोड़े गए और आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आज से 3 साल पहले जहाँ वर्तमान में प्रेम नगर में CM साहब की कोठी है उसके पिछवाड़े में कई लाखों का टेंडर छूटा था लाइट्स का, वहाँ खंभे भी लग चुके हैं और वहाँ तारे भी लग चुकी हैं लेकिन विडम्बना ये है कि आज तक वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं लगी।
ये जरूर चेक करा लेंगे इसमें, क्योंकि मैं लगभग एक साल से नगर निगम में कमिश्नर का भी कार्यभार में देख रहा था अतिरिक्त रूप से, तो इसमें इस करके मैं इस समस्या से वाकिफ हूँ। पहले जो जिला जो राज्य निदेशालय है, डायरेक्टरेट है, उसकी तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आई थी, और आई थिंक ये साल भर पहले आई थी, कि कोई भी नगर पालिका या नगर निगम अपने स्तर पे लाइट्स का जो टेंडर वगैरह लगाने का कार्य ना करे, क्योंकि स्टेट लेवल पे ही एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने की, फिक्स करने की प्रक्रिया जारी थी। तो इस करके पिछले एक डेढ़ साल से मैं, जब से ये कार्यभार देख रहा हूँ, तब से मैं, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का कि हमने नगर निगम में कोई नई लाइट्स जो है वो इस करके रोक दी गई थी डायरेक्टरेट से डायरेक्शंस आने के बाद में। फिर भी इस तरह की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जो अब स्मार्ट सिटी में टेंडर होने वाला है, इसमें लाइटें तो 25,000 रखी गई हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन भी रखा गया है कि अगर कोई एडिशनल हमें रिक्वायरमेंट महसूस होती है, तो एक तो अभी जो अभी तक ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.